ज्योमेट्री टर्म की बात करते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री जो है वो एक इंग्लिश टर्म है। कैसा टर्म है? इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश टर्म, ठीक है। ये डिराइव हुआ है किससे? डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक टर्म, ग्रीक टर्म। क्या है टर्म का नाम? जियोमेट्रॉन, ठीक है। ग्रीक टर्म जियोमेट्रॉन, क्लियर। ग्रीक क्या है? ग्रीक एक लैंग्वेज है। तो ग्रीक, यहां पर ध्यान दो कि ग्रीक इज अ लैंग्वेज ऑफ ग्रीस। कहां का? ग्रीस का, ग्रीस का। ग्रीस कंट्री है, इसका हिंदी होता है यूनान। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। और देखा जाए तो ग्रीक एक डेड लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज। ग्रीक इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते, बहुत पहले किया करते थे, डेली लाइफ में बोलचाल में उपयोग नहीं करते, सिर्फ साइंटिफिक या कुछ रिसर्च वर्क में इसका उपयोग होता है, लिमिटेड यूज है। ऐसा यूज है, लिमिटेड। यहाँ जो जियोमेट्रॉन टर्म है, जियोमेट्रॉन दो शब्दों से बना है, जियो एंड मेट्रॉन। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। दैट मीन्स लिटरल मीनिंग क्या हो गया? लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, लिटरल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, चूंकि जियोमेट्रॉन से ही डिराइव हुआ है, इसलिए लिटरल मीनिंग ज्योमेट्री का क्या हो गया? जियो मीन्स अर्थ एंड मेजरमेंट, मेट्रॉन मीन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ। और इनफैक्ट देखा जाए तो ज्योमेट्री का डेवलपमेंट भी इसी नीड से हुआ है, जब लोगों को महसूस हुआ कि हमारे भूमि को मापने की जरूरत है ताकि हम उसे बेच सके या खरीद सके, ठीक है। तो बेच सके या खरीद सके, इसके लिए उन्हें लैंड मापने की जरूरत हुई। और जैसे ही वो महसूस किए कि लैंड मापने की जरूरत पड़ेगी, वो उसी समय से ज्योमेट्री का धीरे धीरे विकास शुरू हुआ। सो कहा जाता है ज्योमेट्री डेवलप्स व्हेन मेन फेल्ट नीड टू मेजर देयर लैंड व्हाइल बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग, यानी खरीदते समय या बेचते समय उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? भूमि को मापने की आवश्यकता पड़ी। और इसी मापन के क्रम में ज्योमेट्री का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स बताओ। ज्योमेट्रिकल फिगर्स की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स वास्तव में वैसे शेप्स या फिगर्स हैं जिसका हम लोग ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर शेप्स और फिगर्स दैट आर स्टडीड इन ज्योमेट्री, स्टडीड इन ज्योमेट्री आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ओके।
नाउ अगर हम बात करें डेफिनेशन ज्योमेट्री का, डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। पहला चीज क्या है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा चीज क्या है कि ज्योमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन को और इनके प्रॉपर्टीज को। सो हियर अ स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो इसी से परिभाषा इसका बन जाएगा। क्या बनेगा परिभाषा? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है ज्योमेट्री? मैथमेटिक्स। किसका? मैथमेटिक्स, विच डील्स विथ व्हाट? कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, डेफिनेशन अबाउट ज्योमेट्री, ओके। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री गेट्स कंक्लूडेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।